देखो, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कैन बी अप्लाइड फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद नहीं आता है कई बार, क्या करें कि जब हमें चीजें ग्राउंड से नहीं दिख रही हैं, तो हमको ये तो समझ में आ रहा है कि एक्सलरेटेड फ्रेम पर खड़े होके या नॉन इनर्शियल फ्रेम से खड़े होके एफ इक्वल्स टू एम ए कैसे लगाया जाता है। ये आपको समझ में आता है सबको, कैसे लगाया जाता है अंश बताइए। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पर है तो एफ इक्वल्स टू एम ए सिस्टम पे क्या करना पड़ता है पर एक्सप्रेस। जिस फ्रेम पर है और जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट एक्सेलरेशन लगा देते हैं। ओह माय गॉड, अंश क्या बात कर रहे हैं। पहले बताओ, आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है ना, विद यस रिस्पेक्ट सर, टू ग्राउंड जिसका, तो फिर क्या रूल है? सुडो फोर्स लगा रहे हैं, सुडो फोर्स, एक्स्ट्रा यस फोर्स। सर। तो सुडो फोर्स क्या होता है? तो मतलब उसके अपोजिट में स्टूडियो फोर्स लगा के बैलेंस कर देते हैं ना। नहीं, सुडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? क्या बताया गया अब तक नोट्स में आपको? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स? ये तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं आप। अच्छा हो पूछ लिया मैंने आप ही। सुडो फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? अरियंत आप बताइए, सुडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? सर जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट होती है, किसका एक्सेलरेशन? किस? बॉडी का। अरे यार, तो मतलब नॉन जिस नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम पे है। हाँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट, बॉडी के नहीं। जो आपने सिस्टम लिया उसके अपोजिट थोड़ी नहीं लगाया था, बताओ। लिफ्ट सर, नॉन अगर, इनर्शियल फ्रेम के अपोजिट। ए नॉट से ऊपर जा रही है तो सुडो फोर्स किधर आएगा इस एम मास पे लिफ्ट के रिस्पेक्ट में? क्योंकि नीचे की तरफ, नीचे की लिफ्ट तरफ आएगा। का एक्सेलरेशन ए नॉट है, इसलिए बॉडी का नहीं, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही आपका ये कार्ट है, कार्ट अगर जा रही है मान लो इस डायरेक्शन, ये एक्सलरेशन है, तो ये पेंडुलम किधर डिफ्लेक्ट होगा? इसके अपोजिट, सुडो फोर्स इस डायरेक्शन। ठीक है, इस कार्ट के एक्सलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सुडो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। वो कार्ट हमारा क्या था? ऑब्जर्वर था। तो जिधर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सुडो फोर्स। मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको आ गया? कोई गलती तो नहीं कर सकता इसको लगाने? ठीक है, नो सर, हाँ, गुड बेटा। तो अब आपका क्या है कि इसमें आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, मान लो कि आपको सारी चीजें किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही देखनी है, ठीक है, और एफ इक्वल टू एम ए में बहुत दिक्कतें होती हैं। उससे आसान टेक्निक आपकी क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसीलिए डेवलप हुई है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सुडो फोर्स का वर्क और इन्वॉल्व कर लो, रिजल्ट हमेशा सही रहेंगे। ठीक है ना, आपको क्या करना है? सुडो फोर्स का वर्क और आप लिख देंगे, जो वर्क सारे लिखेंगे आप रियल फोर्सेस के लेफ्ट साइड में, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में, उसमें आप क्या करेंगे, एक सुडो फोर्स का वर्क और लिख देंगे, तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही रहे। ठीक है, तो इसलिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो, आपका एक ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द वेज हैविंग अनडिफाइंड स्मूथ कर्व सरफेस। किसी भी रैंडम शेप की कर्व सरफेस है, ठीक है, बट स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, और बोल रहा है इफ वेज इज नाउ एक्सेलरेटेड हॉरिजेंटली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ई नॉट, ठीक है, देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज, पूछिए आपसे। ठीक है, व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द वेज, जब ये बॉटम पर पहुंच जाएगा तो वेज के रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, वेज के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो वेज के रिस्पेक्ट में स्पीड, अब देखो आपने वर्क सारे वेज से लिख रहे हो, तो जो राइट साइड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसमें स्पीड भी फिर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही लो। ठीक है, तो शुरू में तो क्या है, दोनों रेस्ट पर थे तो इनिशियल स्पीड कुछ थी नहीं, वेज के रिस्पेक्ट में भी नहीं थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी नहीं थी, बट यहाँ पर इसके वेज के रिस्पेक्ट में स्पीड आ गई। तो वेज से जब आप लगा रहे हो तो क्या करोगे, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के, तो एक तो एम जी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन है नहीं, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क डन है नहीं, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, हमेशा अलॉन्ग टेंजेंशियल है, और नॉर्मल फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वेज के रिस्पेक्ट में नॉर्मल फोर्स का जो वर्क डन होगा दैट इज स्टिल जीरो, देख रहे हो आप, वेज के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलोंग द वेज नहीं,
ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैज का डिस्प्लेसमेंट और ऐड हो जाएगा इस डायरेक्शन, समझ रहे हैं? तो केवल इस वैज के रिस्पेक्ट में ही स्टिल नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? इस बात पर एक पूरा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको मैट्रिक्स मैच का, ठीक है? तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि अभी जो नॉर्मल का वर्क डन है केवल वैज के रिस्पेक्ट में जीरो, क्योंकि वैज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वैज रुक गया, तो आपको पता है अलोंग द वैज होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द वैज, और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द वैज एंड द नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? तो इसलिए आपका क्या है कि इस केस में नॉर्मल का जो वर्क डन है विद रिस्पेक्ट टू द वैज जीरो निकल के आ गया। तो जब विद रिस्पेक्ट टू द वैज देख रहे हैं, एक तो एम जी रियल फोर्स है और दूसरा क्या है, एम ए नॉट इस डायरेक्शन, ठीक है? तो आप एम ए नॉट का वर्क डन लिख सकते हैं कि एम ए नॉट का वर्क कितना होगा जो सुडो फोर्स आप लगाएंगे इस पर, ठीक है? मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल प्लेन, ठीक है? तो दो वर्क आएंगे और प्लस राइट साइड तो कुछ नहीं आएगा, राइट साइड सीधा हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है? राइट साइड तो क्या है, हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब वी बी क्या है इसके रिस्पेक्ट में, तो वही पूछा है, तो एक लाइन का प्रॉब्लम है बिल्कुल। अगर आपको ये पता है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी निकाल लगा सकते, ठीक है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी लगा सकते हैं, अगर आपको ये पता है तो बिल्कुल कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। आप क्या करेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, क्लियर है आपको? तो डेल्टा के कितना आ गया, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस जीरो, और एम ए नॉट का वर्क कितना आ गया, एम ए नॉट का वर्क पूछना चाह रहा था मैं, एम ए नॉट का वर्क देख पा रहे हैं क्या, तो सुडो फोर्स का वर्क कितना होगा ए से लेकर बी तक, कोई है जो बता पाएगा सुडो फोर्स का वर्क कितना आ रहा है ए से लेकर बी तक जाना? ए नॉट कॉन्स्टेंट है, आपको कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन लिखा हो। हाँ, हर्षवर्धन ने बताया, बाकी लोग नहीं बता सकते क्या, बाकी को आइडिया नहीं कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्क निकालना अभी तक नहीं सीखे क्या, बताइए सर। एम ए नॉट एच, हाँ एम ए नॉट इंटू एच नहीं बेटा एल, एम ए नॉट इधर लग रहा है ना, तो एम ए नॉट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये है सीधा, इसका ये कंपोनेंट कितना है एल के बराबर, तो एम ए नॉट कॉन्स्टेंट फोर्स है, उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कितना है एल है, बताओ रूपाली क्लियर है आपको? हाँ, और एम जी का तो क्लियर है आपको, एम जी का कितना एम जी एच है बताइए। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के इज अप्लाइड फ्रॉम दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के, तो आपका एम जी का वर्क आ गया एम जी एच, ठीक है, और सुडो फोर्स का आ गया एम ए, अच्छा माइनस क्यों बोल रहा हूँ यार, माइनस थोड़ी नहीं आएगा, प्लस आएगा, रूपाली आप प्लस तो सही लगा रहे थे, मैंने गलत लगाया, सुडो फोर्स भी इधर है आपका, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो एम ए नॉट इंटू एल आ, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ऐसे ही करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो कितना आ गया आपको, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ए नॉट एल प्लस जी एच एल, ठीक है? तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत बेटा किसी को भी तो बताइए, एकदम बात क्लियर है यहाँ तक? यस ओके, तो इस पर और प्रॉब्लम करेंगे अपन, एक प्रॉब्लम और है इस पे कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आपको बहुत ही अच्छी तरह आप काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एससीवी का है, बताइए इसका आंसर बताइए आप कैसे करेंगे इसको।